नहीं आ रहा है कि आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है, हो क्या गया है आपको? बेटा मेरा विश्वास करो, मैं अथर्व के लिए बाल्टी में इतना गर्म पानी कैसे भरूंगी? तो आप ये कहना चाहती हैं कि बकेट के अंदर गर्म पानी मैंने भर दिया है ना? आई, आज के बाद अथर्व को लेकर कोई भी जिम्मेदारी मैं आपको नहीं सौंपने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। रोहिणी, संकेत बेटा, मेरा विश्वास कर, मैं सचमुच गुनगुना पानी भरा था। रोहिणी, आपने उस चतुर लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी। आपकी ये बहू उस लोमड़ी से भी दो कदम आगे है। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चतुर तो मैं भी हूं, पर मैं कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलता, उसका फायदा नहीं उठाता। मैं अपने बच्चे की जिंदगी इस तरह दांव पे नहीं लगा सकती। संकेत, मैं समझ सकती हूं कि वो तुम्हारी आई है, और यही सोचकर मैंने उस दिन इस बात का पतंगड़ नहीं बनाया जब अथर्व सोफे से गिरने वाला था। लेकिन अथर्व को लेकर आई की लापरवाही कब तक चलेगी? देखो संकेत, मैं तुम्हारे भावनाओं की कदर करती हूं, लेकिन पता नहीं क्यों आई की दिमागी हालत पे मुझे शक होने लगा है। मानती हूं कि मैंने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन तुम ही जरा सोचो संकेत, अगर उसी गर्म पानी से मैं अथर्व को नहलाती तो मेरा बच्चा जल जाता। रोहिणी बेटा, विभा की आंखों पर तो पर्दा पड़ गया, मानो तो सुनने को तैयारी नहीं, सच्चाई देखकर भी देखना नहीं चाहती। आई के दिल में जो प्यार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है बाबा। आई आई प्लीज रोहिणी को समझने की कोशिश कर। देख, उसे सिर्फ अथर्वा की चिंता थी, भगवान ना करे लेकिन अगर अथर्वा को कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? संकेत, अब जाने भी दो ना, आई के लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। है ना, जरा एक मिनट ये देखना। है ना, किसके ख्यालों में खोई हो? कुछ नहीं आकृति, मैं बस एक बात को लेके बहुत परेशान। क्या? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये डायपर बस एक बहाना था, असली इरादा तो कुछ और ही है।